हेलो फ्रेंड्स वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स रिलेटेड टू योर ट्वेंटी मार्च 2021 यानी कि आज ही के दिन के जो है यहाँ पे करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे तो आज का सेशन जो है इस हमारा एमसीक्यू सी के फॉर्म में रहेगा तो इंपॉर्टेंट जो भी एम रहते हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें लाइक क्यों करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी लाइक करें इस और शेयर कर दीजिएगा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर और सब्सक्राइब कर लें मेरे नए स्टूडेंट्स तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्योंकि यहाँ पे जो है हर एक पी और वीडियो का लिंक मैं प्रोवाइड करवाता हूँ तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं प्लस आप हमारे फेसबुक पेज के साथ भी जुड़ सकते हैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यहाँ पर भी आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा गाइस तो पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हमारा पहला प्रश्न है द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ टू डेटा फॉर बेटर लाइफ्स अब देखो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है ये लॉन्च की गई है और इसकी थीम क्या है थीम भी आप याद रख सकते हो थीम जो है डेटा फॉर बेटर लाइफ तो थीम वगैरह जो है ये क्यों याद रखनी है अगर आप एच पी की तैयारी कर रहे हैं यानी कि एच जी एस एलाइट सर्विसज़ या फिर एन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थीम से याद रखना इंपॉर्टेंट है तो डेटा फॉर बेटर लाइफ जो है यहाँ पे इसकी थीम रखी गई है और ये किस पे फोकस करती है ये वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये इम्प्रूव ऑफ द लाइफ ऑफ द पुअर तो गरीब तबके के लोग जो हैं उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ये काम करती है और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस

नेक्स्ट इज डेनिस सोसो न्यूग्यूसो हैज बीन रिपॉइंटेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री तो प्रेजिडेंट चुने गए हैं डेनिस सोसो न्यूग्यूसो को नाम बड़ा खतरनाक है गाइस तो ये जो है अपॉइंट किए गए हैं रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के लिए रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ये एक अफ्रीकन कंट्री है गाइस राइट चलिए आगे चलते हैं ग्लोबल विंड रिपोर्ट ऑफ टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन रिलीज बाय द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल अब ये आपको मालूम हो चल गई बात की ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है कौन रिलीज करता है ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल राइट तो ये आपके एच फिर इस एग्जाम में काम आएगी ये चीज़ें ओके okay? 93 थ्री जो है यहाँ पे न्यू विंड कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है 2020 में और इसे माना जा रहा है बेस्ट ईयर ऑफ द जो है विंड कैपेसिटी तो विंड एनर्जी से रिलेटेड जो है यहाँ पे बेस्ट ईयर माना गया है 2020 को जिसमें आपकी 93 थ्री तक जो है यहाँ पे जो आपकी विंड कैपेसिटी जो है इंस्टॉल की गई है लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि हेड क्वार्टर्स कहाँ पे हैं आपके ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के तो इसके याद रखना दैट इज़ योर इन ब्रूसल्स बेल्जियम में ठीक है बेल्जियम जो है एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेंगे इसके हेड क्वार्टर शाहीन वन इज ए न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल वॉस बाई विच कंट्री देखो लॉन्च की गई है एक शाहीन वन ए नाम की जो कि एक न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है राइट right? और यहाँ पे जो है इसका जो इसके किस किस नेशन के साथ इसका कनेक्शन है वो है आपका पाकिस्तान ठीक है पाकिस्तान के द्वारा जो है शाहीन वन ए जो है लॉन्च की गई है राइट right? तो आपने बिल्कुल याद रखना है ये नाम क्योंकि नेबरिंग कंट्री से जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं वट इज़ द ऑफिशियल सॉन्ग ट्रैक फॉर द टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू आई सी सी वुमेन्स वर्ल्ड कप तो आई सी सी वुमेन्स वर्ल्ड कप जो होने वाला है वो कब होगा दो हज़ार बाईस में होगा और इसका एक ऑफिशियल सॉन्ग ट्रैक रखा गया है जिसका नाम है गर्ल गैंग तो ये आपने बिल्कुल याद रखना है गर्ल गैंग जो है हमारा आई सी सी वुमेन वर्ल्ड कप जो दो हज़ार बाईस में होगा तो उसके लिए एक थीम सॉन्ग या फिर हम बोले ऑफिशियल सॉन्ग रखा गया है अब ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो है होस्ट नेशन कौन है 2022 के आईसीसी सी सी वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए तो ये है आपका न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड में होंगे आपके 2022 के वुमेंस वर्ल्ड कप नेक्स्ट इज़ विच इंडियन नेबरिंग कंट्री हैज़ सेलिब्रेटेड 50 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑन मार्च ट्वेंटी आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो थे दो दिन की यात्रा के लिए गए थे कहाँ पर बांग्लादेश में क्यों गए थे क्योंकि यहाँ पे जो है इनका 50 साल कंप्लीट हो गए हैं इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस की राइट तो 1971 में जो है आपको पता है कि भारत ने हेल्प की थी इनको लिब्रेट करवाने में तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे दो दिन की विजिट के लिए कहाँ पे बांग्लादेश में तो इन्होंने 50 साल पूरे किए हैं अपनी इंडिपेंडेंस से राइट तो ये था आज का लेक्चर वाइज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए जो भी आप फेसबुक पेज इसके साथ जुड़े हैं वहाँ पर आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश हमीरपुर बोर्ड या फिर शिमला बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो कही कहीं ना कहीं लाभदायक होगी तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद